अस्सलाम वालेकुम, लातिब अली रिहान और आप देख रहे हैं अबाउट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसके हवाले से जो भी अपडेट्स हैं अभी तक वो आपके साथ शेयर करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड बेसिकली इस साल इन्होंने स्टार्ट करना था, लेकिन अप्रैल में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई इस पर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंक्वायरी बिठाई इसमें, और इसके इस प्रोजेक्ट में जितनी इरेगुलरिटीज़ थी उन सबको देखा गया उसमें। उसके बाद से काफ़ी लोग इसमें अनसर्टेन हो गए थे, जिन लोगों ने खासतौर पर रिंग रोड के जो पुरानी अलाइनमेंट थी या जो उस टाइम की अलाइनमेंट थी उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी उस एरिया में, तो वो काफ़ी परेशान हाल थे उसके बाद से। लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता देता हूँ। इंक्वायरी जो बकायदा इसका इंक्वायरी लॉन्च हुई वो मई में हुई, ठीक है, और इसमें अभी दो टाइप्स की जो है इंक्वायरी चल रही है। एक तो एंटी करप्शन वाले हैं इसमें, जो कि लैंड एक्विजिशन की डिटेल सारी देखते हैं, और दूसरे हमारे पास जो है वो ऑडिट टीम है, ऑडिट डायरेक्टरेट टीम है, जो कि सारा रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इसके बाद जब एंटी करप्शन वालों ने सारा रिकॉर्ड सीज किया है और अभी इसकी फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है, वो होपफुली इस मंथ में ये पब्लिक कर देंगे और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। अभी जो 67 टोटल इरेगुलरिटीज़ हैं इस टाइम पे, वो उस पर जो है सारी इंक्वायरी फोकस कर रही है। इसमें जो मेन एलिगेशन हैं जो कि इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले एम्बेजलमेंट है और करप्शन और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जिसमें आरडीए के चेयरमैन इटसेल्फ जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जो अब इसमें एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो स्पेशल असिस्टेंट हैं पंजाब चीफ मिनिस्टर की डॉक्टर फिरोज आशिक अमन, उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो रिंग रोड का पैच है जो कि अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसमें 38 किलोमीटर का टोटल ओवरऑल पैच बनेगा रिंग रोड का, ठीक है, जिसका जो स्टार्ट है वो आपका रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन रबात से होगा, जीकी रोड से, और फिर पीछे से आपको अडियाला दमचक्री और फिर थलिया इंटरचेंज जो है वहाँ पर ये एंड होगा, क्योंकि थलिया से आगे जो है वैसे ही लिंक रोड अवेलेबल है एयरपोर्ट के लिए, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सेस कर सकते हैं थलिया के पॉइंट से। तो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें ये इसका अलाइनमेंट होगी, ये अलाइनमेंट जो है इसका PC1 जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा रिंग रोड का कि जो शहर के अंदर ट्रैफिक है, जो खासतौर पर हैवी ट्रैफिक है या जिन लोगों ने शहर के अंदर से गुजर के मोटरवे को या आप समझ लें कि एयरपोर्ट को एक्सेस करना है, उन लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसमें एक मेजर चंक फॉल करता है जिन लोगों के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी रिंग रोड बनने से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी डिस्कस हुई है कि अभी जो है 62 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो आरडीए से अप्रूव्ड हैं, बाकी कुछ उन सोसाइटीज़ की नंबर भी दिया गया है जिनके अप्रूवल जो है वो पेंडिंग है आरडीए की साइड पे, उनका जो नंबर है वो अराउंड 60 सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो 60 सोसाइटीज़ हैं उनका जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है आरडीए के पास इस टाइम पे, और जबकि 264 हाउसिंग सोसाइटीज़ को इसमें इलीगल भी इन्होंने डिक्लेयर किया है आरडीए वाले। इसकी जो तमाम लिस्ट है अप्रूव्ड और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की, या आप आरडीए की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उस पर सारी डिटेल्स मौजूद है। एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि रिंग रोड का जो काम है, जैसे कि स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया अगस्त में इसका इनॉग्रेशन होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसका काम अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लई एक्सप्रेस वे है ये भी एक और प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, ये भी इस दफ़ा इस गवर्नमेंट ने जो है इसको गो अहेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, इसका काम भी जो है नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर आ रहा है उसमें शुरू हो जाएगा। और ये दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रावलपिंडी की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अब ये नागुज़ीर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के बाद पंडी में एक रावलपिंडी में स्पेशली एक नए एक्टिविटी का आगाज़ होगा, इकोनॉमिकल जोन्स बनेंगे इंशाल्लाह इन दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ साथ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,
और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किन प्रोजेक्ट्स के हवाले से या किस टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं, और आपके सजेशंस वेलकम है ना। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।